दोस्तों नमस्कार, मैं हूं महेश शर्मा। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मैं ड्राइविंग सिखाता हूं, और अगर आप भी मुझसे ड्राइविंग सीखना चाहते हैं तो मेरे इन नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझसे ड्राइविंग सीख सकते हैं। और दोस्तों इसी तरह के वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आगे भी मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं आज हमारे साथ कौन है न्यू स्टूडेंट जो कि हमसे ड्राइविंग सीख रहे हैं। आप अपना नाम बताइए और अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम देवेंद्र सिंह रावत है और मैं यहीं शामपुर का निवासी हूं, और मैं सर से ड्राइविंग सीख रहा हूं, और मुझे सीखते हुए एक हफ्ता हो गया है। सर काफ़ी अच्छे तरीके से गाइड करते हैं, और ड्राइविंग के बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन एक हफ्ते में मैं काफ़ी सब कुछ सीख गया हूं और परफेक्टली ड्राइविंग कर रहा हूं। और मोस्ट प्रोबेबली मैं एक अगले 7 दिनों में मैं कम्प्लीट ड्राइविंग इनसे सीख जाऊँगा। तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग भी अगर ड्राइविंग अच्छे से सीखना चाहते हैं तो सर से क्लास ज्वाइन करें, और कॉन्टैक्ट नंबर आपको इसमें शेयर किया हुआ है। रावत जी, आप हमें ये बताइए कि आपको सीखते हुए आज 20 दिन हो चुके हैं, तो पहली बार जब आप ड्राइविंग सीट पर बैठे थे तो आपको कैसा लगा था? आपको डर का एहसास हुआ था या फिर आपको एक्साइटमेंट थी जो कि पहली बार कोई भी काम करते हुए होती है? मेरे को काफ़ी एक्साइटमेंट थी ड्राइविंग सीखने के लिए, और मैं ड्राइविंग के बारे में कुछ नहीं जानता, मैं फर्स्ट टाइम। डर तो बिल्कुल नहीं लगा आपको? डर मुझे थोड़ा था, लेकिन आपने कहा कि डरने की कोई बात नहीं है, आप बैठ चलाइए, मैं आपके साथ आपको गाइड करूँगा। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, और मैं अच्छे से फर्स्ट डे से ही मैंने अच्छे से सर के साथ ड्राइविंग स्टार्ट करी, और आज ऑलमोस्ट मैं कम्प्लीटली सीख चुका हूँ। आप काफ़ी हद तक जो गाड़ी सीख चुके हैं तो उसके बाद आप गाड़ी ज़रूर लेंगे, तो आपको कौन सी मॉडल की गाड़ी पसंद है, कौन सी गाड़ी आप खरीदना चाहते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। मैं प्रेफर करना चाहूँगा अपने बजट के अनुसार, मैं वैगन आर प्रेफर करूँगा, और अगर थोड़ा हाई वर्जन लूँगा तो मैं ह्युंडई वेन्यू जो लाइट नहीं आई है SUV उसे खरीदना चाहूँगा। आपने गाड़ी चलाना तो सीख लिया, लेकिन इसके अलावा भी आपके कोई शौक़ होंगे, उनके बारे में कुछ थोड़ा सा बताइए। मेरे कई और शौक़ भी हैं, जैसे क्रिकेट खेलना, गोल्फ खेलना, और वाचिंग TV, एंड काफ़ी शौक़ और भी हैं जैसे ट्रैवलिंग, और इसीलिए मैंने ड्राइविंग सीखी ताकि मैं खुद अपना ड्राइव करके मैं उत्तराखंड का भ्रमण कर सकूँ, जो इतने सौंदर्य यहाँ की सीनरीज हैं, सीनेरियोज हैं, वो जाकर देख सकते हैं। ओके, जब गाड़ी आप सीख चुके हैं तो थोड़ा सा आपसे टेस्ट लेता हूँ कि आप मुझे ये बताइए, अगर आपकी गाड़ी चढ़ाई में रुक जाए और आपकी गाड़ी बिल्कुल भी पीछे ना जाए, उसके लिए आपको क्या करना है? सीधा आगे की तरफ बढ़ जाए, जैसे कि मैंने आपको सिखाया है। मेरी गाड़ी अगर चढ़ाई में रुक जाए तो मुझे फर्स्ट गियर में डाल करके गाड़ी को हल्का हल्का रेस दे करके ऊपर को उठाना। नहीं, आपने गलत बोला, आप थोड़ा सा मैं सही कर देता हूँ। अगर आपकी गाड़ी चढ़ाई में रुक जाए तो उसके बाद आपको क्लच ब्रेक तो आपको दबाना पड़ता ही है, गाड़ी रुक जाती है तो, उसके बाद आपको फर्स्ट गियर लगाना है और क्लच को धीरे धीरे छोड़ना है, पहले ब्रेक को नहीं छोड़ना है। जब आपकी गाड़ी वाइब्रेट करने लग जाए तब आपको धीरे से ब्रेक रिलीज करते हुए रेस पर पाँव ले जाना है, और आपकी गाड़ी पीछे की तरफ नहीं जाएगी, सीधा आगे की तरफ बढ़ जाएगी। इस तरह से आप ध्यान रखें, और वीडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय उत्तराखंड।